हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुर्लभ योग में आ रही साल 2024 की पहली पौष अमावस्या के दिन बेलपत्र से किए जाने वाले एक महा उपाय के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, नववर्ष 2024 में पौष के महीने की अमावस्या साल की पहली अमावस्या होगी। शास्त्रों में अमावस्या तिथि पितरों की तिथि मानी गई है। दोस्तों, मान्यता है कि इस तिथि को पूर्वज धरती पर आकर अपने परिजनों से तर्पण की कामना करते हैं। अमावस्या के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, इस दिन पितृ दोष और काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए किए गए कुछ खास कार्य जल्द शुभ परिणाम देते हैं। दोस्तों, अमावस्या पर पितर देवों के लिए धूप ध्यान तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2024 साल की पहली अमावस्या कब है, स्नान दान का सही समय, विधि और इस दिन बेलपत्र से किए जाने वाले एक खास उपाय के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं पौष अमावस्या कब है 2024 में। दोस्तों, पंचांग के अनुसार साल 2024 में पौष मास की और साल की पहली अमावस्या 11 जनवरी दिन गुरुवार को है। इसी दिन दर्श अमावस्या भी रहेगी। अब जान लेते हैं अमावस्या स्नान दान मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, अमावस्या तिथि की शुरुआत 10 जनवरी 2024 को रात 8:10 पर होगी। अमावस्या तिथि का समापन 11 जनवरी 2024 को शाम 5:26 पर होगा। दोस्तों, स्नान का ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:57 से सुबह 6:21। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:08 से दोपहर 12:50 और गोधूलि मुहूर्त रहेगा शाम 5:40 से शाम 6:07। आइए अब जान लेते हैं अमावस्या विधि के बारे में। दोस्तों, पौष माह को छोटा श्राद्ध पक्ष भी कहा गया है। इस माह की अमावस्या पर पितरों के लिए किए गए कार्य व्यक्ति को सुखी और समृद्ध जीवन देते हैं और कुंडली के अशुभ दोषों के प्रभाव से मुक्ति दिलाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में पौष का महीना सूर्य और पितरों की पूजा के लिए बहुत ही खास माना गया है। पौष अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के साथ ही भगवान कृष्ण की भी पूजा और गीता का पाठ करें। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के पात्र में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग का पुष्प डालकर अर्घ दें। अब पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और उपवास करें। जरूरतमंद को दान दक्षिणा दें। दोस्तों, शाम को पीपल के वृक्ष में दीपक जरूर लगाएं। अब जान लेते हैं पौष अमावस्या पर किए जाने वाला एक खास उपाय क्या है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र के इस उपाय को करने के लिए एक दिन पूर्व ही आप बेलपत्र तोड़कर रख लें। अमावस्या के दिन प्रातः काल स्नान के बाद भगवान शिव की विधिवत पूजा करें और पूजा में मात्र एक बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। दोस्तों, इस उपाय से काल सर्प दोष का प्रभाव भी कम होने लगता है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।